सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का मोटो ब्लॉगिंग कुछ ऐसा है कि आज संडे है और आज फ्री थे तो सोचे कि चलो आज ब्लॉगिंग करते हैं। बस ऐसे ही सोचे कि अभी राइड पे निकलते हैं, तो अभी निकले हैं और अभी ये मैदान है, यहाँ सब खेलता है क्रिकेट। तो अभी तो एक फ्रेंड के यहाँ जाना है, तो चलते अभी देखते हैं उधर। और आज तो संडे, पूरा रोड भी खाली, आज उतना भीड़ भी नहीं दिख रहा, तो शायद अब यहाँ से मुड़ना है, टर्न लेना है, तो यहाँ से टर्न लेते हैं हम लोग। मेरा तो ऐसा कोई मूड नहीं था कि आज निकलेंगे, पर बहुत दिन से ब्लॉगिंग किए नहीं थे तो बहुत दिन से ब्लॉग नहीं किए थे तो सोचे कि चलो आज निकलते हैं, शाम में थोड़ा घूम भी लेंगे और ब्लॉग भी शूट कर लेंगे। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं, गाड़ी खींचते कैसा लगता है। पकड़ के बैठना ना, पकड़ के बैठना बोल रहे हैं, आप गाड़ी खींच रहे, तो चलो खींचते गाड़ी। अगर बात करें बाइक के पावर का, तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है कि बाइक में पावर ही नहीं, बहुत कम फील हो रहा, बट कोई नहीं, अभी चलाते में वो सही हो जाएगा। और अभी इधर टर्न लेना है, फिर से एक बार खींचते बाइक। तो ये मैदान पहुंच चुके हैं, आईटीआई ग्राउंड में, हम ग्राउंड में आईटीआई ग्राउंड नजर मारा। तो यहाँ पर अभी रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग ग्राउंड में आए हुए हैं, सो ग्राउंड में भी सब कोई खेल रहा है यहीं पे। और यहाँ पे सब पतंग उड़ा रहा है, वो देखिए पतंग, पूरा पतंग उड़ रहा है यहाँ। तो ये बाइक का बात कर रहे थे, तो बाइक तो हम मतलब कुछ 4-5 दिनों से हम यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि वैसा कुछ काम आ नहीं रहा था और मूड भी नहीं था कि ब्लॉग शूट करें, ब्लॉगिंग पे निकल नहीं रहे थे। तो आज वैसे संडे था तो अभी कुछ कर नहीं रहे थे, तो हम सोचे चलो ब्लॉग बना लेते हैं, तो वही अभी निकले हैं। पर इतना दिन बाद बाइक चलाया तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है हमको कि इसका आरपीएम थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है और गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ रहा है। और अभी हम शायद फ्यूल भी थोड़ा कम किए हुए रखे हुए, फ्यूल हम फिलअप नहीं कराए थे तो फ्यूल शायद कम इस वजह से हो रहा हो। अब पता नहीं है, शायद चैन भी अभी हम इसको है कि ये चैन भी जो है पूरा ड्राई हो गया और ये लूज़ हो गया है, ये भी पीछे से आवाज़ कर रहा था, तो इसको भी सही करेंगे। और बाइक भी पूरा गंदा हुआ है। और यहाँ पे सब कोई अभी क्रिकेट खेल रहा है, एक समय था कि हम लोग भी क्रिकेट खेलते थे फ्रेंड लोग, पर अब तो सब फ्रेंड लोग अलग हो गए, तो अब उतना कोई हम लोग मिलते नहीं हैं तो खेल नहीं पाते, सब अब अपने काम या पढ़ाई में बिजी है। 155 सीसी का और ये है 200 सीसी, दोनों में होगा, इस पर भी एक ड्रैग रेस करेंगे। तो सोच रहे हैं R15 और ये RS का एक दिन रेस किया जाए, देखते हैं कि कौन जीतता है। वैसे ये तो 200 सीसी और वो 155 है, तो देखते हैं, एक दिन प्लान बनाते हैं। वैसे तो हमको मूड था कि ये ले, पर हम जब बजाज के शोरूम गए तो वहाँ पे जब वो ये मॉडल इसका डिसकंटिन्यू हो गया था ब्लैक अलॉय में, तो उस समय वाइट अलॉय आता था, तो हमको कुछ खास पसंद नहीं आया, तो इसलिए हम इसको छोड़ के फिर हम RS लिए थे, ये सॉरी R15 लिए। ये RS का ये प्रोजेक्टर सही लगता है। चलो देखते एक बार RS का राइड लेते। तो अभी RS हम चला रहे हैं और R15 ये मेरा फ्रेंड चला रहा है,
जो कि रोहित नाम ही है इसका। तो चलो देखते एक बार आर एस, देख लीजिए पूरा अपना चेहरा दिखा रहा है, तो चलाते देखते आर एस भी कैसा। ये शायद बी एस सिक्स है कि बी एस फोर है, तो ये बी एस फोर है, तो चलाते अभी ये आर एस को देखते कैसा लगता है। तो पहले इसका दिखाते हैं मीटर स्टार्टअप कैसा होता है। तो कुछ पूरा ऐसा नीडल इसका घूमता है। तो स्टार्ट करते एक बार गाड़ी को, न्यूट्रल करते हैं गाड़ी को पहले। और ये बाइक स्टार्ट हो गया है, तो कुछ ऐसा इसका आवाज साउंड ऐसा आता है। और इसका हेडलाइट भी दिखाते हैं कैसा है। ये ऐसा जल रहा है हेडलाइट, एंजल वाला लगाने वाले हैं हम लोग, और ये एंजल वाला कुछ अभी मॉडिफिकेशन करेगा। तो चलो चलते चलाते हैं गाड़ी को, देखते हैं कैसा लगता है बी एस फोर में। वैसे तो इसका पावर बहुत ज़्यादा है बी एस फोर में, ज़्यादा पावर है, पर होगा रेस एक दिन R15 और आर एस का रेस। चलो तब चलते हैं। चलो निकला जाए यहाँ से। और ये जा रहा है अपना R15, वो ड्राइव कर रहा है। मतलब RS का ये है कि थोड़ा सा इसका इंजन में वाइब्रेशन होता है, और R1 का यामाहा का इंजन में होता है कि स्मूथ रहता है इंजन, इसलिए था। लेकिन वैसे तो मेरा मूड ही था कि RS ले, पर इसका उस समय जब हम लेने गए थे तो BS6 आता था और LI वाइट आता था, तो वो हमको वाइट वाला में पसंद नहीं था, तो इसलिए हम कैंसिल कर दिए। पर खैर कोई नहीं, R15 भी लिए तो सही है। चलो थोड़ा सा देखते, तो गाड़ी तो भागने में बहुत सही है अभी। वैसे ये उतना मेंटेन में रखा नहीं है, अगर ये मेंटेन रखे तो बहुत सही लगेगा गाड़ी। तो यहाँ अपना R15 चलाते हुए रोहित, और अभी का वेदर भी बहुत सही लग रहा है आज। आज मतलब बहुत दिन बाद धूप निकला है, वरना ऐसे तो पूरा मौसम ख़राब ही था, तो बहुत सही लग रहा है आज धूप निकला है। तो इसलिए सोचे कि चलो आज शाम के राइड पर चलते हैं और थोड़ा सा दोस्त लोग से भी मिल लेंगे। वैसा कुछ तो प्लानिंग था नहीं, तो हम लोग सडनली ही निकले। आराम लग रहा है, इसका सीटिंग पोजीशन सही है इस बाइक का, तो बाइक चलाने में बहुत स्मूथ आराम लगता है। मतलब स्मूथ क्या मतलब एकदम कंफर्टेबल है एकदम। R15 में ये प्रॉब्लम है कि हम लोग झुक के बैठते हैं, और इसमें कि सीधा बैठते हैं हम लोग, तो सही लगता है ये बैठने में। और R15 का पोस्चर है कि पूरा झुक के है, तो एक बार चलो खींचते हैं गाड़ी को। इसलिए ये गाड़ी थोड़ा कंफर्टेबल है। तो बाइक को तो खींच रहे, बहुत मज़ा ही आ रहा है इसका। वैसे BS4 है, तो BS4 तो थोड़ा सा रॉ पावर है इसमें, लेकिन अगर BS6 जो है इसका, तो उसका इंजन थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है उस बाइक का, उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं है इसका। ये जो यहाँ पे दिया हुआ ये एब्रो टाइप में ये लाइट, ये और भी सही लगता है देखने में यार, बहुत सही लगता है ये भी। इसका लाइट का थ्रो भी बहुत सही है, उसमें थोड़ा है कि कम है लाइट, लेकिन इसका ज़्यादा थ्रो अच्छा है। मतलब बहुत यार आराम लगता है इस ये बाइक चलाने में। अब V3 चलाने में तो मतलब पूरा एकदम झुक के चलाना पड़ता है, एकदम प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस बाइक में तो
एकदम सीधे बैठ के ही चलाना पड़ता है। बहुत सही है। इधर ही बस हम लोग आए हुए ब्लॉक करने, मतलब दोस्त के यहाँ ही जा रहे तो सोचे चलो चलते इधर ही। हाँ हॉर्न मस्त है, बजा तो थोड़ा अपना वाला टाइम बजाते का बजा। बोलता है कि इसका हॉर्न सही लगता है क्योंकि उसमें डबल हॉर्न है ना, और आरएस में सिंगल हॉर्न है तो उसका हॉर्न ज़्यादा दमदार है। तो अभी हम लोग आए हुए पूरा शायद कोई खेत के अंदर तरफ, संडे का छुट्टी में। इधर अभी ऑफ रोडिंग होगा पूरा आर1 का। पूरा गाड़ी का ऑफ रोडिंग होते हुए तो अभी जहाँ पे भी गए थे हम लोग का काम तो हो गया है, तो अभी तो खैर रात हो गया है तो अब निकल रहे हैं। ये रहा आरएस और ये रहा आर15। तो फाइनली अब यहाँ पे ही ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।